हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में, जहाँ पर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ मार्वल ज़ॉम्बीज़ डिस्ट्रॉय का एक और एक्साइटिंग एपिसोड। और अगर आपने इससे पहले की मार्वल ज़ॉम्बीज़ के एपिसोड नहीं देखे तो इसी चैनल पर आपको मार्वल ज़ॉम्बीज़ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और आप वहाँ पर जाकर इससे पहले की वीडियोज और आने वाली वीडियोज भी देख सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे ही यूनिक कंटेंट्स जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप हर वीडियो से अपडेटेड रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं डगन और बाकी सारी टीम अर्थ 12591 पर थी और वो सारे ज़ॉम्बी से लड़ रहे थे। टैक्सी टेलर और बाकी टीम मेंबर के सामने विजर भागते हुए आ रहा था और वो आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी डायनामैन आकर उसे चीर देता है। और उसका अगला टारगेट था यूनियन जैक और वो वहां पर सभी को मार ही रहा था कि तभी वहां पर नेमर आ जाता है और उन दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है और नेमर उसे उड़ाकर आसमान में ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्पिटफायर काट रही थी टैक्सी टेलर को, लेकिन वो भी उसे ग्रेनेड से मार देती है। लेकिन उस धमाके में उसका ध्यान अपनी तरफ बढ़ रही गोल्डन गर्ल की तरफ नहीं था और इस वजह से रेड रेवन आगे बढ़कर गोल्डन गर्ल को उठा लेता है, लेकिन गोल्डन गर्ल उसे ही इन्फेक्ट कर देती है और अब रेड रेवन भी उनके साथ ही उनकी सवारी बन चुका था। वही दूसरी तरफ हम देखते है कि नेमर के साथ हाथापाई करते हुए नेमर डायनामैन को एक ज़ॉम्बी स्क्विड के मुंह में फेंक देता है और वो सारे बचे हुए ज़ॉम्बीज अब बढ़ रहे थे बाकी टीम मेंबर्स की तरफ। लेकिन तभी कैप्टन अमेरिका की शील्ड आकर नेमर को मार देती है और तब हमें कुछ औरतें दिखती है जो खुद को कह रही थी कि हम हैं सफ्राजिस्ट्स। और वो आगे आते ही वो सारे ज़ॉम्बीज को एक एक करके मारने लगती है। सबको ठिकाने लगाने के बाद हावर्ड द डक से मिस अमेरिका सबको इंट्रोड्यूस करवाती है। वो उन तीनों वुमन वॉरियर्स के बारे में बताती है, इसमें से एक थी लिबर्टास, दूसरी कोलंबिया और तीसरी रिवेटर। और वो सभी की स्पेशलिटी बता रही थी और वो आगे कहती है कि हमें हमारे हेडक्वार्टर की तरफ जाना होगा। और जाते वक्त डगन मिस अमेरिका से पूछता है कि क्या कैप्टन अमेरिका ने उससे ये शील्ड दी, इस पर वो कहती है कैप्टन अमेरिका अपने आखिरी वॉर के दरमियान चल बसे, लेकिन वो अपने आखिरी दम तक लड़े और इस वजह से उन्हें ये मौका ही नहीं मिला और उनमें लाइफ भी नहीं बची थी। इस पर डगन उससे कहता है तो तुमने इसे उठा लिया है ना, इस पर वो बताती है मैंने इसे इसलिए उठाया क्योंकि ये कुछ मायने रखती है हर एक के लिए और इसका मतलब है कि हमें हमेशा लड़ते रहना चाहिए। ये हमें होप देती है, ये हमें कैप्टन अमेरिका की याद दिलाती है। जिस पर डगन उससे कहता है कैप्टन हमेशा कहता था कि एक आदमी भी डिफरेंस ला सकता है। और बाकी बची हुई टीम आगे हेडक्वार्टर में जाती है जहाँ पर वो मिलते है एक नाजी से जिसका नाम था जॉग। और नाजी सुनते ही ब्लाजिंग स्कल उसकी तरफ मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन बैटल स्टार और हावर्ड द डक उसे पीछे धकेलते हैं और उन्हें ये पता चलता है कि ये सारा इंतजाम जॉग ने ही किया है। और वो बताता है कि आखिर नाजीस ज़ॉम्बी कैसे बने। तब वो बताता है कि वर्ल्ड वॉर हारने के बाद हम किसी होप की तलाश में थे और वो ढूंढ रहे थे नॉर्स गॉड्स को। तब एक टीम तिबेट पहुंची जिसे लीड कर रहा था बैरन वॉन स्ट्रकर। और तिबेट पहुंचने के बाद एक लामा ने उन्हें वो दिया जो कि इस सब के लिए जिम्मेदार था, एक डेथ स्पोर फ्लावर जो कि खा लिया हिटलर ने और इसी से ज़ॉम्बी ब्रेकआउट शुरू हुआ। ये सुनने के बाद हावर्ड द डक और बैटल स्टार एक प्लान बनाते हैं और वो सभी टीम मेंबर्स को बताते हैं कि जॉग हमें ट्रांसपोर्ट करेंगे नाजीस के हेडक्वार्टर में और वहां पर जाकर हमें ट्रांसडाइमेंशनल बैटलशिप वैलहैला हैमर को तबाह करना होगा और साथ ही साथ इस पूरे वायरस को जड़ से उखाड़ना होगा। आगे ज़ॉम्बी द डक मजाक में कहता है ये सुनने में तो पार्क में टहलने जैसा लग रहा है। इस पर ब्लाजिंग स्कल उससे कहता है हाँ, लेकिन ये पार्क ग्रेवयार्ड है। और तभी डगन पूछता है उनके पास इतनी सारी पावर आई कहाँ से, उन्होंने पूरे वर्ल्ड को इन्फेक्ट कैसे किया और उनको हराने के लिए हमारे पास कोई हथियार नहीं है। इस पर बैटल स्टार कहता है क्या तुमने उसे सच्चाई नहीं बताई। इस पर हावर्ड द डक कहता है नहीं। तब वो बताता है जॉग मेरी तरफ देखो, नाजीस गॉड्स को ढूंढ रहे थे और उन्हें वो मिल गए। आगे कुछ कहने से पहले ही वहां पर एक धमाका हो जाता है और वो जान जाते हैं कि वहां पर नाजी ज़ॉम्बीज ने अटैक कर दिया है। तब लिबर्टास एक रोप पकड़कर उस माउंटेन के ऊपर फ्लाई करती है और सबको उस रोप को पकड़कर ऊपर आने को कहती है। एक एक करके सभी बाहर निकल रहे थे कि तभी उस हेडक्वार्टर में दूसरा धमाका होता है और डगन बाहर गिर जाता है। लेकिन तब तक हावर्ड द डक ने उसे पकड़ लिया था, लेकिन वो देखता है कि लैब में पूरे ज़ॉम्बीज एंटर कर चुके थे और जो नजारा वो देखता है वो देखकर वो दंग ही रह जाता है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपके पास कुछ यूनिक आइडियाज हो अगले वीडियो या अगले कंटेंट के लिए तो भी मुझे कमेंट करें। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय हिंद।